हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हाजिर हूँ। तो गाइस आज की जो वीडियो है ये है यूट्यूब चैनल, आप कैसे मोबाइल में आप एकदम प्रोफेशनल तरीके का यूट्यूब चैनल आप कैसे क्रिएट करें। तो गाइस आज की वीडियो में मैं जो टिप्स देने वाला हूँ यही टिप्स आपको यूट्यूब के रिलेटेड कोर्स खरीदने के बाद आपको ये टिप्स मिलेगा, ठीक है? तो वो मैं फ्री में देने वाला हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ सेटिंग्स है, 5 या 6 सेटिंग्स है, जिस सेटिंग को करने के बाद आपकी जो चैनल है ये एकदम शुरू से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक की आपको ग्रो होने लगी। तो ये जो सेटिंग्स है कुछ एल्गोरिथम के बारे में मैंने रिसर्च करके सेटिंग्स में दे रहा हूँ। तो ये जो है ये आपको यूट्यूब रिलेटिव कोर्स खरीदने के बाद ये टिप्स मिलेगी, तो जो मैं फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर से आपको कैसे चैनल को सेटिंग करनी है, जो 5 या 6 सेटिंग्स मैं दिखाऊंगा, सेटिंग को करने के बाद आपकी चैनल ऑटोमेटिक जो ऑर्गेनिक आपको चैनल ग्रो होने लगेगी। आपको वो इनिशियल बूस्ट, आपको अदर्स कोई साइज से बूस्ट आपको देने नहीं पड़ेंगे, आपको एडवर्टाइज नहीं चलाने पड़ेंगे, जो गूगल के ऊपर एडवर्टाइज चलने के बाद आपका चैनल ग्रो किया ऐसा वैसे कुछ भी नहीं करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ वीडियो अपलोड करने और एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं जो दिख रहा हूँ ऐसे ही काम करके जाना है, ठीक है? तो आपकी चैनल के ऑटोमेटिकली आपको वीडियो पे व्यूज आएगी, रीच आएगी, आपके चैनल एक एल्गोरिथम के पास एक वेरीफाइड चैनल हो जाएगी, ठीक है? तो गाइस ये जो सेटिंग से ये मैं दिखाऊंगा और इसके साथ कुछ टिप्स है, जो टिप्स को आपको फॉलो करने के बाद आपकी जो यूट्यूबर आप नया चैनल हो आपको पहले वीडियो से व्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करो और देखो, अब एक भी जो सेकंड्स मिस ना करो कि आप स्किप ना करके आप देखो, तब भी आपको पता चल जाएगा ऐसे कौन सी सेटिंग कैसे करना है, कैसे इसके अंदर से काम करना है, ठीक है? तो गाइस अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे दबा दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यार आज की जो सेटिंग से एक नया यूट्यूब चैनल मोबाइल से कैसे क्रिएट करोगे वो भी प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है? तो इसके अंदर एडवांस लेवल में मैं बताया आपको कैसे क्या करना है, कैसे थंबनेल वगैरह सेटिंग्स करना है, कैसे इसके अंदर से कीवर्ड डिस्कस करके सेटिंग्स करना है, तब भी आपका चैनल ग्रो होगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। तो इसमें मोबाइल पर दिखाऊंगा और आप मोबाइल से भी कर सकते हो। आज की वीडियो में लैपटॉप की कोई भी काम नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर की। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। सो गाइस मैं आ गया हूँ मेरा मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कैसे आपको यूट्यूब चैनल मोबाइल से क्रिएट करना है। तो मैं यूट्यूब पर हूँ तो आप समझ रहे होंगे कि तो मैं जानता हूँ, तो ऐसा वैसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स हैं, मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो गाइस अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो, आप मोबाइल से यूट्यूबर हो, आप यूज़ करते हो, तो ये आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरत है। कुछ इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स है जिसको आपको अच्छे तरीके से सेटिंग नहीं किया हो, तो इसीलिए आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं आ रहे। तो अगर आपके चैनल नया हो या पुराना हो, अब इस सेटिंग्स को एक बार देख लोगे तो आपकी जो चैनल है ये अच्छे तरीके से रैंक कर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ईमेल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर एक ईमेल क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो योर चैनल इसको टैप करोगे तो आपकी जो चैनल क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाएगी। एक फ़ोटो सेव करो और ये जो आपके चैनल का नाम रखो क्रिएट चैनल करो, आपकी चैनल क्रिएट हो जाएगी। पर यह चैनल उतनी अच्छी नहीं होगी जितना आपको जो एक यूट्यूबर के लिए होने चाहिए, ठीक है? तो आपकी चैनल इस यहाँ पर से करोगे तो आपके चैनल पर रैंक नहीं आएगी, व्यूज़ नहीं आएगी, आपके चैनल पर जो रीच नहीं आएगी ज़्यादातर वीडियो के ऊपर, आपके चैनल साज में नहीं आएगी, आपकी वीडियो साज में नहीं आएगी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको होती रहते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीज़ की ज़रूरत होगी, एक है आपकी जो चैनल की लोगो और एक है आपकी चैनल की बैनर। और आपकी जो चैनल की नाम रखना चाहते हो आपने ठीक डिसाइड किया, उसके ऊपर एक आपको लोगो होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लोगो और मैंने बैनर को पहले बना लिया। तो आपको लोगो कैसे बनानी है, बैनर कैसे बनानी है फ्री एकदम प्रोफेशनल तरीके के, और थंबनेल कैसे बनाए, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? तो अभी जो मैंने बैनर एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाया क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है? तो अब अच्छी क्वालिटी के एक लोगो और अच्छी क्वालिटी के एक बैनर आपको चैनल की जरूरत चाहिए, जो आपको चैनल शो ऑफ करने के लिए जो अच्छी दिखे, बहुत अच्छी दिखे और अच्छी क्वालिटी दिखे, और आपकी एक डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखनी चाहिए, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो बैनर मैंने यहाँ पर बैनर नहीं जो लोगो हमने करके रखा है और बैनर यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं इसको अटैच करते हैं। तो गाइस इसके सबसे पहले आपकी चैनल के जो नाम रखनी है वो नाम है, और कोई चैनल जो कॉम्पिटिशन कम है, कोई बड़ा चैनल नहीं है उसके नाम से ऐसे रखना नहीं है, ठीक है? तो आपकी जो चैनल एकदम यूनिक होनी चाहिए, सर्च पर आए ऐसे छोटे वगैरह नाम रखनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर से जो लोगो है लोगो को हम इसके अंदर अटैच कर देता है। कैमरे के ऊपर आप टैप करोगे तो आपकी जो गैलरी ओपन हो जाएगी, सिलेक्ट करके आपको लोगो कर देना। तो नीचे के साइड में जो पेंसिल के आइकन देखिए वहाँ पर टैप करके आपकी जो चैनल के नाम दे देना, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने मेरा जो चैनल का नाम है मैं दे देता हूँ,
टेगिन हेल्प, तो यहाँ पर मैंने चैनल का नाम दे दिया। और ये करने के बाद यहाँ पर जो आपकी जो चैनल है क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पर सेव करोगे तो आपकी चैनल क्रिएट हो चुका है। पर इसके अंदर जो अगर सेटिंग्स है, ये जो मेनली सेटिंग्स है ये मैं दिखाऊंगा अभी के अभी, ठीक है। तो ये जो हमारा जो चैनल कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं चाहिए, चैनल कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। आप इसके अंदर से वीडियो अपलोड कर सकते हो या शॉर्ट वगैरह वीडियो अपलोड इसके अंदर से कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बंदा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे चीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमारा जो चैनल का नाम आ चुका है, अभी लोगों नहीं आ रहा है तो थोड़ी टाइम लगती है, तो कभी कभी तो 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे क्रोम ब्राउजर में। अगर आपके पास जो यूट्यूब स्टूडियो वॉइस स्टूडियो है, जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो ये वगैरह जो एप्लीकेशन है वॉइस स्टूडियो, तो इसको आपको पहले मोबाइल से अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। तब भी आपको जो सेटिंग्स है सारे करवाओगे, तब क्रोम ओपन कर लेनी है, क्रोम के एक पेज ओपन कर लेनी है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड में लेनी है, डेस्कटॉप मोड देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको करना है YouTube सर्च करना है, YouTube ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे कि YouTube ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर से हमको YouTube आ गया, तो YouTube को हम ओपन करने दिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लेके आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम यहाँ पर YouTube ओपन करें तो डायरेक्ट हमारा जो मेन YouTube पे लेके जा रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप YouTube मेन YouTube से आप कोई भी वीडियो का, कोई भी एक वीडियो का लिंक को कॉपी कर लो और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर लाके पेस्ट कर देने के बाद आपको क्रोम पर आपको एक पेज ओपन हो जाएगी जो YouTube का। आपको क्या करना है, उसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो क्रोम है एक डेस्कटॉप मोड में आ जाएगी। तो यहाँ पर साइड के कॉर्नर में 3 डॉट जहाँ पर यूट्यूब इन दिख रहा है, तो इसको ओवर कैप करोगे तो आपकी जो यूट्यूब है होम पर चले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा जो यूट्यूब है डेस्कटॉप मोड पे ओपन है और ये जो होम पेज पर है। तो आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर साइड में कॉर्नर के साइड में आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे करके, तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा लोग है, लोग यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे और यहाँ पर आपको स्विच अकाउंट करके जो ईमेल पर आपकी जो यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जब भी हम अभी अभी जो चैनल बनाए थे टेक इन हेल्प, तो यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो जो यूट्यूब स्टूडियो, इसके ऊपर टैप करना है। जब ये ओपन हो जाए आपको यहाँ पर जो वॉइस स्टूडियो का लोगो शो होगी, तो आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप मोड कर देनी है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट देख सकते हो जो हमारा जो होम पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इस स्टूडियो के लिए वेलकम चैनल है, तो हमको वेलकम के ऊपर क्लिक करना है और ये जो सारे है क्लोज या गॉट इट कर देनी है, ठीक है। तो आपके जो आए, तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो अपलोड के लिए बोल रहा है और बहुत कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइट के ऑप्शन में जो मोनेटाइजेशन, उसके नीचे ऑप्शन आपको मिलेगी कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर चैनल कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पर से हमने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो चुका है। के साइड में जो ब्रांडिंग है इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद कुछ इस टाइप की फेस शो हो जाएगी। यहाँ पर सेट करना है जो बैनर हमने डाउनलोड किया है। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके वही बैनर, आप एक बैनर आपको पहले क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर से आपको बैनर को सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो उसके नीचे आता है एक जो अपलोड वीडियो वाटरमार्क नाम से। तो ये होता है कि आपकी जो चैनल की लोगो या आदर्श वगैरह, अब इसके अंदर सब्सक्राइब वाला जो वीडियो रनिंग चल रहा है यूट्यूब पर, आपकी जो वीडियो के साइड में कॉर्नर में एक वाटरमार्क हो गया लोगो या कोई सब्सक्राइब का बॉटम शो हो रहा है, तो ये इसी से होता है। तो यहाँ पर से आपको एक लोगो या आपके चैनल का लोगो भी दे सकते हो, तो यहाँ पर सेट कर देनी है। तो यहाँ पर जो वीडियो एंड में शो होगी और एंट्री में से होगी, और यहाँ पर कस्टमाइज आप टाइम भी सेट कर सकते हो। तो मैं एंड में कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर कॉर्नर के साइड में पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये जो सेटिंग्स है, ये मेरा जो थंबनेल और यूट्यूब का बैनर और लोगो, यहाँ पर सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आती है बेसिक। यहाँ पर क्या होता है, आपके चैनल के ऊपर एक अच्छी क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन देनी होगी, जो बंदा आपके चैनल के अंदर विजिट करता है, चैनल इसके अंदर से देखते हैं तो उसको पता चल जाएगा इसके अंदर इसका चैनल जो बहुत अच्छा है, इसके बारे में दो चल रहा है, इन सब अच्छी लिख देना, ठीक है। आपको उसको लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दे देनी है। और यहाँ पर जो एड लैंग्वेज है, यहाँ पर इसको कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर चैनल की URL शो होता है,
तो आपको 100 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद आपके चैनल के ऊपर एक मेल आएगी, उसके बाद यहाँ पर एक कस्टम यूआरएल का ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। नीचे के साइड में एक ब्लू मार्क को लिखा होगा कि आपकी कस्टम जो यूआरएल बनाने के लिए, तो यहाँ पर लिखा आ जाए। नीचे जो ऐड लिंक के ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर आपके कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चैनल के साथ अटैच कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर से आप ऐड लिंक तक मैंने 8 लिंक आपके इसके अंदर अटैच कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी जो फेसबुक हो या इंस्टा हो इसके अंदर से डायरेक्ट विजिट कर पाएगी। तो यहाँ पर साइट के बॉर्डर में जो आपको टाइटल दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके नाम लिख सकते हो, या फेसबुक या आप जो सोशल मीडिया का अकाउंट देना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हो, उसका साइड में उसका जो आपकी प्रोफाइल का लिंक दे के आपको यहाँ पर पब्लिश कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करोगे तो नीचे ऐड लिंक का ऑप्शन आएगी, तो एक एक करके ऐड ऐड करके आठ लिंक तक आप इसके अंदर पोस्ट कर सकते हो। आपके वेबसाइट वगैरह है तो इसके अंदर सारे चीज़ डलवा सकते हो, जो बहुत बंदा इसके अंदर इसके थ्रू आपकी जो टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो या आपकी वेबसाइट हो इसके अंदर विजिट कर सकते हैं, और इसके थ्रू आपकी बहुत ट्रैफिक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं मेन सेटिंग्स के ऊपर, तो हम इसको जो सेटिंग्स का ऑप्शन है नीचे में एकदम कॉर्नर में, इसके ऊपर टैप करना है। तो इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी जो चैनल के अंदर जो डॉलर आपकी जो चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद आपकी पेमेंट लेना चाहते हो, तो आपको US डॉलर में डॉलर है या इंडियन मनी आपकी कोई भी करेंसी में सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये डॉलर पे रहने, तो उसके नीचे दिखा चैनल, चैनल के ऊपर क्लिक करना है। चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है बेसिक, तो इसका जो नीचे के साइड में आपको कंट्री सेट कर लेनी है, अगर आप इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से, आपको सेट कर लेनी है। तो हम इंडिया को सेट कर लेंगे, और नीचे आपकी जो चैनल के नाम से चैनल के रिलेटिव कीवर्ड्स डालनी है। सबसे पहले आपके चैनल के नाम से दो चार कीवर्ड यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, तो ऐसे करके एंटर कर देनी है, तो ये एकदम कवर हो जाएगी, यानी कि एक कीवर्ड इसके अंदर पोर्ट हो गया। तो ऐसे करके आपकी जो चैनल के जो नाम है वो नाम दो चार यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप आपको लोग सर्च करता है टी हेल्प टेक हेल्प, तो वो आपकी फीचर्स में आपकी जो चैनल है फीचर में आप कोई भी बंदा सर्च करेंगे तो उसी इसी कीवर्ड के दौरान आपकी जो चैनल सजेस्ट में पहुँचाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो टॉपिक में वीडियो बनाना चाहते हो आप, टेक या एजुकेशन या आपकी जो लेक्चर है, सारे चीज़ यहाँ पर जो बनाना चाहते हो प्रैंक वगैरह हो व्लॉग हो, उसका जो कीवर्ड बहुत सारे आपको फाइंड मिल जाएगी। आप टैग जनरेट इसके लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे जो वेबसाइट है आपको फ्री में अच्छे टैग को फाइंड करने के लिए, यहाँ पर से आपको कुछ टैग जो 500 कीवर्ड के अंदर आपकी यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद सेव कर देनी है। सेव करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन में चला जाना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है चैनल के ऊपर, उसके बाद आपसे एडवांस सेटिंग्स। तो गाइस यहाँ पर जो मेन एक सेटिंग आता है जिससे आपकी जो ऑडियंस है आपको ऑडियंस कौन सी चाहिए उसका टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो जो मेड फॉर किड है, जो हम यूट्यूब पर अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो ये सेटिंग्स आ जाता है, तो आपकी जो वीडियो है या एडल्ट कंटेंट है या जो बच्चों के लिए है तो इसके लिए एक सेटिंग्स है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो कॉन्टेंट के ऊपर आपको डिपेंड करते हैं, इसको सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो अगर आपकी कंटेंट है जो 18+ है तो आपको यहाँ पर जो यस कर देनी है, या ऊपर के साइड में जो ऑप्शन को यस कर देनी है, या आपकी जो सबके लिए जो कंटेंट है तो आपको नो में क्लिक कर देनी है, ठीक है। नो को सिलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पर नो को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी पार्ट वीडियो में आप सिलेक्ट करना चाहते हो यस या नो आपकी जो कंटेंट के ऊपर, तो आपको क्या करनी है उसके जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करनी है। तो आपके वीडियो अपलोड करने के समय और उसके स्टूडियो के अंदर आपको जो इस ऑप्शन को आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आपको सिलेक्ट करोगे तब भी वो वीडियो को आप अपलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर हो जाती है, तो आपको इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जानी है। तो यहाँ पर जो आपको सब्सक्राइब की एक ऑप्शन मिल जाएगी, तो आपकी जो सब्सक्राइब काउंट के नाम से जो ऑप्शन है, अगर आपकी जो सब्सक्राइब कितना सब्सक्राइब बंदा कर रहा है तो वो आपको जो ऑडियंस के आपको दिखाना चाहते हो तब इसको टिक ऐसे रहने देना है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो, अगर आप हाइड करना चाहते हो, तो इसको टिक मार्क को उठा लेनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने उठा लिया, तो ऐसे करके आपको टिक मार्क को उठा लेनी है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सेव कर देनी है। तो आपको यहाँ पर जो सेटिंग्स है कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करनी है, आपको सेटिंग्स से भी सेव कर देनी है।
सो गाइस ये जो सेटिंग्स है इसको कंप्लीट करके आपको सेव कर देने के बाद, ठीक है, सेव कर देने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर जो अपलोड डिफॉल्ट है इसके ऊपर टैप करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर टैप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक डिफॉल्ट टाइटल या डिस्क्रिप्शन और नीचे आप जो टैग है इसका जो क्या बॉक्स होके रखा है तीनों। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है अगर आप वीडियो पे, ठीक है, आप जो वीडियो डालो उसके अंदर आप कोई भी परफेक्ट डिस्क्रिप्शन टैग या टाइटल आप डालवाना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको लिख के यहाँ पर जो देना चाहते हो यहाँ पर लिख के आपको सेव कर देनी है। आप वीडियो अपलोड करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी टाइटल हो या टैग हो या जो डिस्क्रिप्शन हो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है तो आप ये कर सकते हो या ना नहीं भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर करना है क्या, यहाँ पर जो पब्लिश यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर नीचे के साइड जो टैग के ऊपर इसको ऑफ कर देना अनलिस्टेड, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है टैग, टैग के यहाँ पर आपके जो चैनल का टैग है, जो आपके चैनल का नाम की जो टैग है, ये दो चार डाल देनी है। तो ठीक है, जैसे मैं डाल रहा हूँ टैग इन हेल्प एक डाल दिया, उसके बाद इसको इंटर कर देता है, उसके बाद फिर से टैग इन हेल्प, तो ऐसे करके मैंने दो टैग यहाँ पर डाल दिया। अगर फिर जब मैं आप वीडियो इसके अंदर अपलोड करूँगा तो ये ऑटोमेटिक टैग जो हमारा ये वीडियो के अंदर डिटेक्ट हो जाएगी, टैग के अंदर ये आ जाएगी, ठीक है। तो फिर से हर वीडियो पे चैनल का कोई ये गया दो टैग डालवाना पड़ता है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, मैंने फिर से डालने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेटिंग्स होता है, यहाँ पर जो है मेन सेटिंग आता है, ये आपको तय करेगा आपकी जो वीडियो कौन सी ऑडियंस के पास भेजे, ठीक है। तो इंफेशन में कौन सी ऑडियंस के पास भेजे, तो यहाँ पर देख सकते हो जो एडवांस सेटिंग्स है यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट में जाके जो एडवांस सेटिंग है बेसिक इन्फो के साइड में इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी और बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर दिया है। तो लाइसेंस आपको करके रखना है जो YouTube लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव कॉमन नहीं करना है और आपको यहाँ पर सेट करके रखना है स्टैंडर्ड लाइसेंस, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइसेंस पहले से सेट है। तो ये काम करता है कुछ इस टाइप से, अगर कोई भी बंदा आपकी वीडियो कॉपी करके उसके चैनल पे अपलोड कर देता है तो एल्गोरिथम ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन शो कर देगी, आपकी जो कॉपीराइट ऑप्शन है चैनल के जो स्टूडियो के अंदर वहाँ पर शो हो जाएगी कि कौन सी यूट्यूब पर कौन सी चैनल पर आपको वीडियो अपलोड हुआ है, कितना आपकी जो कॉपीराइट मैच करता है, तो सारी चीज़ यहाँ पर दे जाएगी। तो आपको लाइसेंस यहाँ पर एक्टिव रहने देना है, ठीक है। अगर क्रिएटिव कॉमन करना चाहते हो तो आपकी जो कंटेंट कोई भी बंदा आप उसके चैनल पर डाल सकते हो, उसका कोई भी कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर साइड के कॉर्नर के साइड में आपको जो है यहाँ पर आपकी जो चैनल कौन सी कैटेगरी में, आपकी चैनल कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर आप ब्लॉग करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रैवल एंड इवेंट यहाँ पर दिया है, तो आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आप म्यूजिक चैनल के बनाना चाहते हो तो यहाँ पर म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हो, और गेमिंग है गेमिंग, तो एजुकेशन है आप एजुकेशन यहाँ पर दे सकते हो, इंटरटेनमेंट फिल्मी सारी चीज़ है यहाँ पर, कॉमेडियन आपकी जो चैनल की कैटेगरी, आपकी कौन सी वीडियो अपलोड करना चाहते हो, आपकी चैनल कौन सी है, तो इसके ऊपर इसके आधारित आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर जो जो है मैं टेक चैनल बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो अब मैं एजुकेशन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो भी है और उसके बाद है लैंग्वेज, ठीक है। तो नीचे साइड में देख सकते हो तो यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज, आप कौन सी वीडियो में वीडियो की कौन सी लैंग्वेज, आपकी जो वीडियो बना रहा हो उसका जो वॉइस है कौन सी लैंग्वेज में है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है ये काम करेगा आपके टारगेट ऑडियंस के पास पहुँचाएगी, आपकी ऑडियंस कौन सी लैंग्वेज में आपको जो कॉन्टेंट चाहती है तो उसके पास जाएगी भेजेगी, ठीक है। यूट्यूब ये मेन चीज़ है, इसको आपको ध्यान से ठीक से इसको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ और उसके साइड में ये जो है ये ऐसे रहने देना है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, तो ये नॉर्मल रहने देना है। उसके बाद आपको टाइटल जो लैंग्वेज है आपको यहाँ पर इंग्लिश करना है, अगर आप हिंदी से आप जो लैंग्वेज से आपकी जो टाइटल डिस्क्रिप्शन करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये डिफॉल्ट हिंदी रहना है। तो यहाँ पर यह जो इंडियन कर देता हूँ, उसके बाद जो है जैसे भी है सब रहने देना है, ठीक है। तो इसको सेव कर देना है। तो गाइस आपकी जो चैनल के अंदर एक अच्छी थंबनेल, एक अच्छी जो है बैनर और ये सारे थंबनेल नहीं सॉरी ये एक अच्छी लोगो और एक बैनर आपकी चैनल का नाम और टैग वगैरह ऐसे ही आपको सेट कर देनी है। इसके बाद आपको सेव करके एक दिन या दो दिन के लिए आपको चैनल को छोड़ देनी है, ऐसे रहने देना है। उसके बाद आप वीडियो अपलोड करोगे तब भी आपकी जो चैनल है एल्गोरिथम के पास आपकी जो कौन सी कैटेगरी का चैनल है एल्गोरिथम के पता चल जाएगा। उसके बाद आपकी जो वीडियो पे धीरे धीरे
जो व्यूज़ आने लगेंगे या जी रीज बढ़ने लगेंगे, इनिशियल बूस्ट जो आता है वो आने लगेंगे, ऑर्गेनिक आपके चैनल ग्रो होने लगेगी। तो गाइज ये जो सेटिंग्स है ये सेटिंग्स आपको ठीक से कर लेनी है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन देने की मैं कोशिश करूँगा। और इस बार थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइम से आपको वीडियो क्लियरली मिल जाएगी। थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रह पा रहा हूँ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी आएगी। और जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग हमारे चैनल हर टाइम मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।